गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है सिंथेटिक फाइबर। और कभी कभार किसी बुक के अंदर इस टॉपिक को सिंथेटिक मटेरियल के नाम से भी दिया जाता है। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने वीवा एजुकेशन का बुक, उसमें चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक मटेरियल्स दिया हुआ है, उसमें से लिया हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे न्यूमोनिक्स हैं, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, तो मतलब बच्चों को बार बार रिवीजन करवाना पड़ता है। तो उस रिवीजन के लिए मैंने इस टॉपिक का वीडियो बना दिया है ताकि बच्चे जब भी चाहें, जितनी बार उसको देखना चाहें, वो अच्छी तरीके से देख सकें। तो हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है सिंथेटिक फाइबर और इस टॉपिक के अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन के ऊपर मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर, उसका मीनिंग समझते हैं। तो पहले इसका मीनिंग क्या होगा वो देख लेते हैं। मीनिंग क्या होता है, अभी देखो सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो फाइबर आप पहले भी जान चुके हो, क्लास 7 के अंदर आपने सिल्क वॉर्म और सिल्क मॉथ के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे आपने देखा था कि सिल्क कैसे बनता है या सिल्क को कैसे बुना जाता है विद द हेल्प ऑफ सिल्क वॉर्म। और वहाँ पे आपने कोकून था पढ़ा था, फिर प्यूपा और उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ा था। अभी सिंथेटिक फाइबर, फाइबर का मतलब होता है थ्रेड। मतलब हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर थ्रेड की बात करेंगे, बट वो थ्रेड कौन सा होगा, सिंथेटिक होगा। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, आर्टिफिशियल। अभी सवाल हमारा ये आता है कि क्यों हमें सिंथेटिक फाइबर की ज़रूरत पड़ी या हमें थ्रेड्स आर्टिफिशियली बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसका आंसर उस तरीके से होगा कि हमारे पास जितने भी फाइबर्स आते हैं या हम जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े जनरली फैब्रिक्स में से बनते हैं और फैब्रिक्स है वो फाइबर में से बनता है। और हमें जो फाइबर मिलता है वो फाइबर दो जगह से आता है, एक आता है प्लांट से और दूसरा आता है एनिमल से। और इन दोनों को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं, नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो अब प्लांट से जो फाइबर मिलता है उसे तो हम कहते हैं कॉटन और जूट, और एनिमल से जो हमें मिलता है वो है सिल्क। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि 21st century चल रही है और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अब हर एक की डिमांड को हम पूरा तो कर नहीं सकते। कोई भी इंसान कपड़े पहनता है और दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये जो कपड़ों की खपत है, जो रिक्वायरमेंट है, वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज़ हो रही है। अभी इन कपड़ों की डिमांड को हम कैसे पूरा किया जाए, अभी क्या इन सारे लोगों के लिए जो कपड़े बनाते हैं क्या उसके लिए हम कॉटन, जूट या सिल्क का यूज़ करेंगे। तो हमें जहाँ जहाँ पे अभी हम धान लगाते हैं, मतलब कि हम फसल करते हैं गेहूं की, चावल की, बाजरा की, तो उनकी जगह पे भी हमें कॉटन के प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, तो फिर हम खाएंगे क्या। तो हर एक की रिक्वायरमेंट कॉटन प्लांट से या सिल्क से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास इतना कॉटन, इतना सिल्क और इतना जूट है ही नहीं कि हम सबकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकें। इसीलिए हमें इनके कॉटन और सिल्क के सामने, कॉटन और सिल्क के जैसा ही कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो उसी के लिए, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए हम कॉटन और सिल्क के कपड़े नहीं बना सकते और इतना कॉटन और सिल्क हमारे पास है भी नहीं, तो कॉटन और सिल्क जैसा हमें कुछ बनाना पड़ेगा ताकि हम सब लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो इसीलिए हमें मैन मेड फाइबर या मैन मेड कपड़े की, मानव निर्मित कपड़ों की हमें खोज करनी होगी या उसके बारे में हमें सोचना होगा ताकि हम सब लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें।
तो आई होप सो आपको चैप्टर का मीनिंग समझ में आया होगा कि सिंथेटिक फाइबर क्यों, हम क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जनरली फाइबर में से फैब्रिक बनता है और उस फैब्रिक्स में से क्लोथ बनते हैं, ठीक है, और वही क्लोथ हम यूज़ करते हैं। वो क्लोथ चाहे हो सकते हैं कॉटन से बना हो या सिल्क से बना हो, ठीक है, बट अभी हम जो बात करेंगे वो फाइबर होगा आर्टिफिशियल, या मतलब जिनको हम लोगों ने बनाया होगा, इंसानों ने बनाया होगा। अब बात करें एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, तो अब नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, जो हमें हमें कुदरत से मिलते हैं, कुदरत मतलब नेचर से मिलता है। तो उसमें दो नेचुरल फाइबर हैं। प्लांट की बात करें तो पहले ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, प्लांट के अंदर आपके आ जाएंगे कॉटन और दूसरा आ जाएगा जूट। जूट को हम हिंदी में सूतर कहते हैं। आपके घर के अंदर जब आपके घर के अंदर कुछ नया अनाज आता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो उसको जनरली गनी बैग्स के अंदर भर के आते हैं। तो जो ऊपर की ब्राउन कलर की गनी बैग होती है उसको ही हम सूतर कहते हैं, या उसको इंग्लिश में जूट कहते हैं। और बात करें एनिमल की, तो एनिमल के अंदर आपका सिल्क आ गया, ठीक है। तो ये कैसे हैं, नेचुरल फाइबर हैं, ये नेचुरल फाइबर हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, कुदरत से मिलता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पॉइंट नंबर सेकंड की और फर्स्ट की। अभी हम बात करते हैं मोनोमर और पॉलीमर, यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। मोनोमर और पॉलीमर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर इसी के बेस पे है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। अभी हम बात करते हैं मोनोमर क्या होता है। तो जनरली मोनोमर मतलब किसी ऑब्जेक्ट का छोटा सा छोटा यूनिट, मोनोमर मतलब स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, ठीक है। और पॉलीमर का मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसे कोई मैटर जो किसमें से बनी हो, मेड बाय मोनोमर। अभी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं, मेड बाय मोनोमर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर की जो दीवार होती है, वॉल होती है, वो छोटी छोटी ब्रिक्स से बनी हुई हुई है, वो स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स से बनी हुई है, राइट। तो एक तरीके से समझने के लिए हम ऐसा ले सकते हैं कि ये जो एक ब्रिक्स है, ठीक है, एक इसको ईंटे कहते हैं, तो जो एक ब्रिक्स है वो क्या है, उस दीवार के लिए, उस वॉल के लिए मोनोमर है। जो ब्रिक्स है वो क्या है, मोनोमर है। और इस मोनोमर की वजह से क्या बना, वॉल बनी, और इस वॉल को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर, ठीक है। तो मोनोमर मतलब क्या, छोटे से छोटा यूनिट, और पॉलीमर मतलब क्या कि उस जब छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक कोई बड़ी चीज़ बना लेते हैं, तो उस बड़ी चीज़ को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। अभी इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो मोनोमर्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो एक चेन में अरेंज हो जाते हैं, ऐसे इस तरीके से एक चेन में अरेंज हो जाते हैं। और इस चेन को हम क्या कहते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। और कभी कभी क्या होता है कि
इसी चेन मतलब इस तरीके से भी अरेंज हो जाते हैं। वैसे पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, दो आपस में चेन उस तरीके से अरेंज हो जाएगी एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग लीनियर फॉर्मेट मिलकर क्रॉस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस वाले पोर्शन के अंदर क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, ठीक है, मतलब ग्रुप हो गया एक तरीके से। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट कहेंगे। तो मोनोमर हैं वो जनरली जब कोई बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और पॉलीमर बनाना चाहते हैं, तो वो मोनोमर्स हैं वो हो सकता है एक लाइन में अरेंज हो सकते हैं, तो उन्हें हम लीनियर अरेंजमेंट कहेंगे। और वही मोनोमर्स अगर आपस में क्रॉस कर ले, मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली अरेंज हो जाएं साथ साथ में, तो उसे हम क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट कहेंगे। तो क्रॉस लिंक अरेंजमेंट जो पॉलीमर होता है वो लीनियर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, टफ और टॉलरेंस वाला होता है। तो जितने भी पॉलीमर्स हैं जिसमें क्रॉस लिंक होता है, वो पॉलीमर्स बाकी अदर पॉलीमर से काफ़ी अच्छा और मजबूत होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बारे में समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, ये हमने अरेंजमेंट वाला टॉपिक भी देख लिया, अभी हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। अभी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दो नेचुरल पॉलीमर के बारे में दिया हुआ है, नेचुरल पॉलीमर जो ऑलरेडी नेचर के अंदर अवेलेबल है। उसमें एक है हीमोग्लोबिन और दूसरा है सेल्यूलोज। अभी हैंडराइटिंग थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि टैबलेट के ऊपर हैंडराइटिंग निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हीमोग्लोबिन है वो भी एक चेन है, ठीक है, वो एक चेन से बना हुआ रहता है। और उस चेन के अंदर जो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं वो किसके होते हैं, एमिनो एसिड के होते हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है इट इज़ अ पॉलीमर, और हीमोग्लोबिन इज़ मेड बाय एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड इज एक्ट एज अ मोनोमर फॉर हीमोग्लोबिन। सेल्यूलोज की बात करें तो वो भी एक तरीके से चेन में ही होता है, और इस चेन के अंदर जो छोटे छोटे मोनोमर्स हैं वो कौन से होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो, C6H12O6, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं तो सेल्यूलोज बना लेते हैं, तो ग्लूकोज को हम मोनोमर कहेंगे और सेल्यूलोज को हम पॉलीमर कहेंगे। सिमिलरली एमिनो एसिड को हम मोनोमर कहेंगे और हीमोग्लोबिन को हम पॉलीमर कहेंगे। तो ये हो गई बात आपकी सम नेचुरल पॉलीमर्स की। अभी आगे चलते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक, अभी इसका मीनिंग समझते हैं। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक मतलब बनाना और सेमी मतलब आधा, मतलब कि ऐसा कोई फाइबर या ऐसा कोई सिंथेटिक फाइबर जिसमें 50% हम नेचर का यूज़ करेंगे या नेचुरल मटेरियल यूज़ करेंगे, और 50% हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सब्सटेंस का यूज़ करेंगे। मतलब जैसे कोई कॉटन ले लिया या वुड पल्प ले लिया, और उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ केमिकल्स को भी ऐड करेंगे, तो वो कैसा होगा कि 50% नेचुरल होगा और 50% आर्टिफिशियल होगा। और उसमें एक एग्जांपल आता है रेयॉन। रेयॉन है वो हमने बनाया है, मतलब रेयॉन है वो बिल्कुल एक सिल्क की तरह ही होता है, और रेयॉन के अंदर हम 50% नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं और 50% केमिकल्स का यूज़ करते हैं, इसलिए रेयॉन को हम सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कह देते हैं। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं कि रेयॉन के बारे में, रेयॉन कैसा होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे रेयॉन की नोट्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो रेयॉन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
रेयॉन क्या होता है? तो पहली बात तो ये कि रेयॉन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। और ये फाइबर बिल्कुल किसको रिजेंबल करता है? सिल्क को रिजेंबल करता है। अभी सिल्क आप जानते हो, सिल्क वॉर्म में से मिलता है, और इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए हम सबको सिल्क दे सकें वो तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हमने सिल्क जैसा ही एक कपड़ा बना लिया है जिसको हम बोलते हैं रेयॉन कहते हैं। अब रेयॉन रेयॉन बनता किस में से है? तो हम क्या करते हैं, रेयॉन के अंदर वुड पल्प का यूज़ करते हैं, लकड़ी का जो गूदा होता है वुड पल्प उसका यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, केमिकल्स ऐड करते हैं। और ये इस दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल या सेमी सिंथेटिक फाइबर था जिसको सबसे पहले बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। और ये रेयॉन से बहुत ही सस्ता होता है, इसीलिए मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात ये है कि आप इसको बुन सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, साड़ी बनाने के लिए या मतलब कुछ कपड़े बनाने के लिए इसको आप सिल्क की तरह बुन सकते हो, वुवन कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स के अंदर अवेलेबल होता है, जिस कलर के अंदर सिल्क अवेलेबल नहीं होता है उस कलर के अंदर रेयॉन भी अवेलेबल होता है, इसकी वजह से लोग सिल्क से ज़्यादा रेयॉन खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने रेयॉन को रेयॉन तो रखा ही रखा, साथ में हमने क्या कर दिया, उस रेयॉन के अंदर कॉटन को भी ऐड कर दिया, ताकि हमें क्या मिला, रेयॉन के अंदर कॉटन ऐड करने से एक और सिंथेटिक मटेरियल रेडी हो जाता है, जो जनरली हम अपने घर के अंदर जो बेड होता है उसके ऊपर बेडशीट लगाते हैं, वो बेडशीट बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल बन जाता है। तो रेयॉन प्लस कॉटन को हम बेडशीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी उस रेयॉन के अंदर हम वूल को भी यूज़ करते हैं, तो रेयॉन और वूल को मिक्स करने के बाद हमें कारपेट बनाने लायक कपड़ा मिल जाता है, या हम उससे कारपेट भी बना सकते हैं। जनरली रेयॉन कहाँ यूज़ में आता है, तो रेयॉन शर्ट्स है, टाइज हैं, फैब्रिक्स कपड़े बनाने के लिए भी यूज़ में आता है। पहले मैं बोल चुका हूँ मैं आपको, रेयॉन किस में से बना हुआ है, सेल्युलोज में से बना हुआ है। सेल्युलोज का मतलब होता है वुड, जो आपको प्लांट में से मिलता है, लकड़ी के अंदर भी सेल्युलोज ही होता है। और हमने रेयॉन किस में से बनाया है, वुड पल्प में से ही बनाया है। आपको मार्केट के अंदर रेयॉन की बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएगी, जनरली वो हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसकी पहली कैटेगरी है विस्कस, दूसरी कैटेगरी है क्यूप्रो, और तीसरी कैटेगरी है एसीटेट। ठीक है, ये उनकी अलग अलग वेराइटीज़ हैं जो आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। कभी कभार रेयॉन को हम उस तरीके से बनाते हैं कि रेयॉन लस्टरस भी होते हैं। वो कैसे होते हैं, चमकते हैं, उनकी अपनी एक चमक होती है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और सबसे मेन बात इसके ऊपर तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि रेयॉन लोग ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, बिकॉज़ रेयॉन क्या करता है, कॉटन कपड़े की तरह रेयॉन हमारे स्किन के ऊपर जितना भी स्वेट जनरेट होता है उस स्वेट को एटमॉस्फेयर के साथ क्या करता है, वो एक्सचेंज कर लेता है, स्वेट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलती है, कूलिंग इफेक्ट मिलती है और हमें गर्मी कम लगती है। तो जनरली जो रेयॉन है वो हम गर्मी के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो अभी आगे हम चलेंगे, एक और दूसरा सिंथेटिक फाइबर है जिसका नाम है नाइलॉन। नाइलॉन की बात करें तो मैं आपको छोटा सा याद करा दूं, नाइलॉन आपने देखा होगा कहाँ पे, नाइलॉन का जो जनरल यूज़ होता है वो जो लोग स्काई डाइविंग करते हैं या पैरासूट वगैरह यूज़ करते हैं, तो जो पैरासूट का मटेरियल होता है वो नायलॉन से बना हुआ रहता है। अब पैरासूट है या मतलब कोई बहुत ही, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं या माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करने के लिए जो रस्सियों का यूज़ करते हैं, वो रस्सी बहुत ही मजबूत और टफ होनी चाहिए, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उन रस्सियों का भी यूज़ किस में से बनी हुई रहती होती है वो रस्सी,
नायलॉन से बनी रहती है। अब थोड़ी नायलॉन के बारे में हम कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ अ फर्स्ट आर्टिफिशियल, इसमें 100% केमिकल होते हैं। उसके पहले जो हमने पढ़ा था रेयॉन, उसमें क्या होता है 50% नेचुरल चीज़ें होती हैं, जबकि नायलॉन के अंदर 100% केमिकल ही होते हैं। कौन कौन से केमिकल होते हैं? कोल, वाटर, एयर, या फिर कभी कभी हम पेट्रोकेमिकल का यूज़ भी करते हैं। पेट्रोकेमिकल के बारे में आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक है उसमें ऐसा दिया हुआ है कि नायलॉन को हम पेट्रोकेमिकल्स में से भी बनाते हैं। अभी मैंने बताया आपको इट इज़ अ फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, सबसे पहले ये 100% सिंथेटिक फाइबर है। और दूसरी बात ये कि ये क्या है, मोस्ट इलास्टिक है। इसके ऊपर जितना भी वजन पड़ेगा, जितना भी स्ट्रेस आएगा, वो स्ट्रेस हटने के बाद वो आप वापस अपनी लोकेशन पे, मतलब अपनी पोजीशन पे आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रबर को आप खींचते हो, तो रबर खींचने के बाद वो आप उसको छोड़ते हो तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है, मतलब अपना जो शेप है उसको रीशेप, रिकॉइल कर लेता है, उसको वापस अपना शेप धारण कर लेता है, बना लेता है। वैसे ही ये कैसा होता है, बहुत ही इलास्टिक होता है। फिर बात करें कि केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन अ स्पेशल डिज़ाइन मशीन एट अ हाई टेम्परेचर। अभी नायलॉन को बनाने के लिए हम इसको अपने हाथों से नहीं बना सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि नायलॉन बनाने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने का पड़ेंगे, और वो रिएक्शंस स्पेशल मशीन्स में ही होते हैं, और उन मशीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। बात करें आगे वाले पॉइंट की, तो जो पिघला हुआ मॉल्टन होता है, ठीक है, उसको हम किस में से पास करते हैं? स्पिनरेट्स में से पास करते हैं। अब जो पिघला हुआ नायलॉन है उसको हम किस में से पास करेंगे? स्पिनरेट्स में से पास करेंगे, और उसमें से एक बिल्कुल फाइबर की तरह रेसे निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी मंथ के अंदर आपके घर के अंदर होली के लिए स्पेशली सेवियाँ बनती है, तो आपकी मम्मी क्या करती है कि जो आटा होता है उसको नूडल्स मेकिंग मशीन में डालकर उसको प्रेशर दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, तो नीचे से नूडल्स निकलना शुरू हो जाती है। सेम वाली कंडीशन है, हम क्या करते हैं, पिघले हुए नायलॉन को उस मशीन में ऐड करते हैं जिस मशीन का नाम है स्पिनरेट, और वो स्पिनरेट क्या करेगा, उस पिघले हुए नायलॉन में से क्या निकालेगा, बहुत सारे फाइबर्स निकलता है, और उस फाइबर का नाम क्या है, नायलॉन। ठीक है, नायलॉन क्या होता है, ये चमक चमकने वाला सिंथेटिक फाइबर है, इसकी अपनी खुद की चमक होती है, और ये बहुत ही हल्का और धोने में बहुत ही आसान होता है। नायलॉन के कपड़े को वॉश करना बहुत ही इजी होता है और तुरंत वॉश हो जाते हैं। इवन ऐसे भी बोल सकते हैं कि नायलॉन के कपड़े ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। अभी इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो रस्सियाँ में, फिर सॉक्स बनाने के लिए, टेंट्स बनाने के लिए, और इसका मेन यूज़ है पैराशूट। इसको हम स्कूबा डाइविंग में यूज़ करते हैं, पैराशूट्स बनाने में यूज़ करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि नायलॉन की जो रस्सियाँ होती हैं वो स्टील से भी बहुत ही मजबूत होती हैं, इसीलिए हम नायलॉन को जहाँ पे टफ काम करने होते हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग है या स्कूबा डाइविंग है, या फिर मतलब सॉरी स्कूबा डाइविंग नहीं, स्काई डाइविंग, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। अब जो स्पिनरेट्स वाला वर्ड है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है वो फैक्ट में दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि जो स्पाइडर होता है, आपने देखा होगा स्पाइडर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इसके स्पिनरेट्स होते हैं। वो जब अपनी जाली बुनता है तो जाला बुनते वक्त वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग के अंदर फाइबर्स को फैलाता है और एक तरीके से जाला बनाकर रेडी कर देता है, तो उसमें से भी फाइबर्स बनते हैं, उसके बॉडी में भी क्या बनते हैं, फाइबर बनते हैं। तो वो फाइबर कैसे बनाता है, उसके बैक साइड में एक छोटा सा होल होता है और वहाँ से वो क्या करता है, फाइबर्स निकालता है, और उसके
इस स्पाइडर की इस कंस्ट्रक्शन की वजह से स्पाइडर को देखने के बाद हमने उस मशीन का नाम रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, स्पिनरेट्स। ठीक है, जनरली स्पाइडर के अंदर 2 से 6 स्पिनरेट्स देखने को मिलते हैं ताकि वो 2 से 6 अलग अलग होल से वो अपने घर बनाने के लिए फाइबर्स बना सकता है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर फैक्ट्स में दिया हुआ था। अभी बात करते हैं आगे पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर क्या होता है, आप नाम नाम समझ ही गए होंगे। पॉली एस्टर, पॉली मतलब बहुत सारा, और ये किस में से बना हुआ है, एस्टर में से बना हुआ है। पॉली प्लस एस्टर, पॉली मतलब मोर देन वन, एस्टर मतलब ये पॉलिस्टर का मोनोमर है। जब बहुत सारे एस्टर इकट्ठा हो जाएंगे तो पॉलीएस्टर बनेगा। अभी मैं बात करूं कि ये एस्टर क्या होता है, आपने परफ्यूम वगैरह तो यूज़ किया ही होगा, बॉडी स्प्रे वगैरह तो यूज़ किया ही होगा, तो उसमें जो अच्छी इतनी स्वीट स्मेलिंग स्मेल आती है वो स्मेल कहाँ से आती है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। जनरली ये बात आपको क्लास 10 की टेक्स्ट बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी के अंदर कार्बन कंपाउंड में। तो वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जब हम इथेनोइक एसिड CH3 सी डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH, इथेनोइक एसिड और अल्कोहल को जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एस्टर मिलता है। ठीक है, और ये एस्टर की क्या होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, अपनी खुद की एक एरोमा होती है। और इसी एस्टर को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, बहुत सारे एस्टर आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, पॉली एस्टर बन जाता है। और ये किस में से बनाते हैं, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से बनाते हैं। मैंने अभी बताया एस्टर किस में से बनता है, इट इज़ मेड फ्रॉम इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं और इसको इथेनॉल बोलते हैं। इसका जो केमिकल नाम है वो है इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, बट जनरली इसको एसिटिक एसिड और अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे एस्टर आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीस्टर बन जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ अ मोनोमर ऑफ पॉलीस्टर, तो आप क्या लिखोगे, एस्टर, मतलब बहुत सारे एस्टर जुड़ेंगे तो पॉलीएस्टर बनेगा। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इट इज़ अ रिंकल रेजिस्टेंस। इसको मतलब जनरली आपने देखा होगा कि आप कपड़े पहनते हो तो आपके कपड़ों के ऊपर झुल्लियाँ गिर जाती हैं, मतलब आपकी जैसे मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे, रिंकल्स आ जाते हैं, उसके ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं, और नेक्स्ट टाइम आपको उन कपड़ों को पहनना है तो आपको प्रेस करवाना पड़ेगा, उन कपड़ों को सीधा करना पड़ेगा। बट नायलॉन के केस में ऐसा नहीं है। नायलॉन के कपड़े कैसे होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं, आप उनको कितनी भी बार पहनोगे वो कपड़े हमेशा सीधे के सीधे रहेंगे, उनके ऊपर किसी भी तरह का रिंकल नहीं आएगा, वो मुड़ेंगे नहीं, क्रीस नहीं पड़ेगी उसके ऊपर, बहुत ही मजबूत होते हैं, लाइट वेट होते हैं। इलास्टिक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कैसे होते हैं, इनके ऊपर अगर स्ट्रेस या लोड आ जाता है तो अपना शेप चेंज करते हैं, पर जैसे ही वहाँ से स्ट्रेस और लोड ख़त्म हो जाता है वो अपनी मेन पोजीशन पे या साइज़ पे आ जाते हैं, और इनको धोने में बहुत ही आसानी होती है। ये चमकदार भी होते हैं और इनको धोने में बहुत ही आसानी होती है। तो ये बात हो गई पॉलिस्टर के बारे में। वैसे पॉलिस्टर के बहुत सारे वेरियंट्स हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। जी, अभी बात कर रहे हैं हम टेरिलिन के बारे में। तो टेरिलिन क्या है, ये भी एक पॉलीमर है। ठीक है, अब पॉलीमर है तो ये किसमें, किसी मोनोमर में से बना हुआ होगा, तो इसका मोनोमर है, थोड़ा सा याद करने में मुश्किल है, आपके टेक्स्ट बुक में तो दिया हुआ नहीं है बट मैंने आपको बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इथिलीन ग्लाइकोल टेराथेलिक एसिड, ठीक है, ये पूरा नाम है, इथिलीन ग्लाइकोल टेराथेलिक एसिड। जब बहुत सारे इथिलीन ग्लाइकोल टेराथेलिक एसिड जुड़ेंगे तो टेरिलिन बनता है। ठीक है, और टेरिलिन को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, डेक्रॉन के नाम से भी जानते हैं, और इसमें से मोस्ट ऑफ हम साड़ी बनाने के लिए इस टेरिलिन का यूज़ करते हैं। अब जब हम टेरिलिन को कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो टेरिकोट बनता है, और उसमें से हम शर्ट्स और स्कर्ट्स बनाते हैं। जब किसी टेरिलिन को हम सिल्क के साथ मिक्स करेंगे, ब्लेंड कर देंगे, तो टेरी सिल्क बनेगा,
और उसको हम साड़ीज़ और ड्रेस बनाने में यूज़ करते हैं। जब किसी टेरिलिन को आप वूल के साथ मिक्स करोगे तो उसमें से सूट्स बनते हैं। और इसी टेरिलिन के अंदर एक और वेरिएंट है जिसको हम बोलते हैं PET, पॉली इथिलीन टेराप्थलेट। इसका पूरा नाम क्या है? पॉली इथिलीन टेराप्थलेट, ठीक है। और इस PET को हम कहाँ यूज़ करते हैं? आपके घर के अंदर, आप फ्रिज में जितने भी बॉटल्स रखते हो वो PET से बनी हुई है। आपकी मम्मी किचन के अंदर शुगर, चावल, फिर बेसन वगैरह के लिए क्या करती है? अलग अलग प्लास्टिक के डब्बे यूज़ करती है। तो वो सारे किचन स्टफ भरने के लिए डब्बे होते हैं, वो सब PET से बने हैं। स्टोरिंग जार्स, आप पहले बता चुका है मैं, यूटेंसिल्स हैं जिसमें आप सब्जियों को कट करते हैं, उनमें वॉश करते हैं, वो भी सारे प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, वो PET से बनते हैं। फिल्म रोल, ठीक है, जिसमें फिल्म की शूटिंग होती है और उसको रिकॉर्डेड किया जाता है एक सिल्वर फॉइल के ऊपर, तो वो फिल्म रोल के लिए भी हम PET प्लास्टिक का, PET सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने टेरिलिन के बारे में भी देखा। ये जो मोनोमर का नाम है, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेराथलिक एसिड, ये आपके बुक में नहीं है तो आप इसको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप याद रखते हो तो अच्छी बात है। अभी हम बात करते हैं एक्रेलिक के बारे में। एक्रेलिक मतलब आर्टिफिशियल वूल। वूल तो आप जानते ही हो। वूल किस में से मिलता है हमें? वूल इज़ अ एनिमल फाइबर, जो हमें फर गिविंग एनिमल्स में से मिलता है, जैसे आपका हो गया अंगोरा रैबिट हो गया, अंगोरा गोट हो गया। आपने क्लास 7 के अंदर इसके बारे में खूब पढ़ा था, अंगोरा रैबिट हो गया, अंगोरा अंगोरा गोट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इतने सारे लोग हैं कि हम सबको वूल नहीं दे सकते, तो हमें आर्टिफिशियल वूल बनाना होगा, और आर्टिफिशियल वूल को हम क्या कहते हैं? एक्रेलिक कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं? वूल के अंदर कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वूल किया जाता है, तब एक्रेलिक बनता है। वूल जनरली बहुत कम कलर्स में अवेलेबल होते हैं, बट एक्रेलिक है वो बहुत सारे कलर्स के अंदर अवेलेबल होता है। दूसरी बात ये है, इसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि इसको पानी नहीं लगता, मॉइस्चर नहीं लगता इसको, किसी बैक्टीरिया से ये अफेक्टेड नहीं होता, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, और किसी केमिकल के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। और ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और ओरलोन और एक्रिलोन, ये उनके दो टाइप्स हैं। ओरलोन और एक्रिलोन ये वूल्स के दो टाइप हैं। कौन कौन से हैं? ओरलोन और एक्रिलोन, ये वूल के दो टाइप्स हैं। चलिए आगे बात करेंगे। इस वूल की तरह एक्रिलिक को भी बुना जाता है, और इनको स्वेटर और शॉल और सॉक्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो एक्रेलिक के बारे में याद रखना कि एक्रेलिक क्या है? एक आर्टिफिशियल वूल है। मज़ेदार टॉपिक आया स्पेंडेक्स। अभी स्पेंडेक्स के बारे में बात करें तो स्पेंडेक्स भी क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, और स्पेंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? लिक्रा। स्पेंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? लिक्रा है। और स्पेंडेक्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? स्विमिंग सूट्स के अंदर यूज़ करते हैं, अंडर गारमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और शर्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली आपने IPL या किसी भी क्रिकेट मैच के अंदर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो जो टी शर्ट पहनते हैं वो जनरली स्पेंडेक्स की होती है, क्योंकि वो कैसी होती है? स्ट्रेचेबल होती है, और उनको वो कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्विमिंग सूट में भी ऐसा ही होता है, वो स्पेंडेक्स से बनी रहती है। वो कैसे होते हैं? अलाउड टू स्ट्रेच और हाईली इलास्टिक होने की वजह से हम जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसमें हम स्पेंडेक्स का यूज़ करते हैं, या स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसमें हम स्पेंडेक्स यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर, अभी हमने बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर के बारे में देखा, जिसमें रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक हो गया, स्पेंडेक्स हो गया, टेरिलिन हो गया, टेरिकोट हो गया।
तो हमने इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो ये सिंथेटिक फाइबर हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं या हमें इनसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देख रहे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर आप देख सकते हो ये सस्ते होते हैं बहुत ही, ठीक है, इजी टू अवेलेबल इन ऑल कलर्स। अभी आपको मालूम होगा कि सिल्क है वो जनरली ग्रे या वाइट कलर में मिलता है, बट जो सिल्क के जैसा रेयन होता है वो बहुत सारे कलर्स में मिलता है, तो हमें ऑप्शंस मिलेंगे, हमारे लिए अच्छी बात है। फिर ये सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं और उनको धोना भी बहुत ही आसान होता है। दे आर वाटर प्रूफ, वो इनको पानी नहीं लगता है इसीलिए जल्दी से गीले भी नहीं होते हैं और उनके ऊपर रिंकल्स नहीं आती हैं, उनको हमें बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, ये बहुत ही हार्ड होते हैं और टफ होते हैं, तो एक बार आप खरीदते हो तो काफ़ी 1-2 साल तक चलेंगे। दूसरी बात, इनको केमिकल्स और बैक्टीरिया भी अफेक्ट नहीं कर सकते। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इतने सारे लोगों को कॉटन की शर्ट्स पहनाने की शुरुआत करोगे तो हमें शायद खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम जहाँ जहाँ पे भी हम गेहूँ वगैरह करते हैं वहाँ पे भी हमें कॉटन करना पड़ेगा, तो इतने सारे लोगों को कॉटन कैसे आप प्रोवाइड करोगे। तो हमने सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करेंगे तो हमें अलग से कॉटन प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस प्लांट के अंदर हम कुछ सीरियल्स वगैरह लगा देंगे, पल्सेस वगैरह लगा देंगे तो हमें फूड भी ज़्यादा मिलेगा। तो चाहे आप कॉटन की खेती करो या नहीं करो, उसकी एग्रीकल्चर करो या नहीं करो, उससे सिंथेटिक फाइबर को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। दूसरी बात, ये स्ट्रेचिंग होने के बाद अपनी मेन पोजीशन पे आ जाते हैं, मतलब कैसे करते हैं वो स्ट्रेचिंग को अलाउ करते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ना, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर जो ए क्वेश्चन है उसके अंदर इसका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो इसका आंसर यही बनेगा, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब आपको मालूम है कि जिसके फायदे भी होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर के कुछ नुकसान भी हैं कि ये पर्यावरण के साथ घुल मिल नहीं जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी ह्यूमन की या एनिमल की बॉडी को हम बरी करते हैं, ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, तो 1-2 महीने के बाद वो डेड बॉडीज़ वहाँ से गायब हो जाती हैं, माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं। बट सिंथेटिक फाइबर के कपड़े होते हैं वो सॉइल के अंदर मिक्स नहीं हो पाते हैं और सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो जल्दी से आग भी पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, वो 10th क्लास के NCERT में से लिया हुआ है, हाइड्रोफोबिक, मतलब इनको पानी से बहुत डर लगता है या ये पानी के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं। और इसी की वजह से अगर आप नायलॉन के कपड़े पहन लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी और डिसकंफर्ट फील होगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनने से उनको स्किन के ऊपर खुजली हो जाती है या उनको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। इनको अगर आयरनिंग करनी है तो बहुत ध्यान से करना होगा, अगर आप इनको प्रेस करोगे या इस्त्री वगैरह करोगे तो ये जल्दी से चिपक जाते हैं और पूरी शर्ट आपकी ख़राब हो जाएगी। मेन चीज, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट होता है, मतलब इसके ऊपर स्टैटिक चार्ज होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा विंटर वगैरह में जब आप अपनी टी शर्ट निकालते हो या टी शर्ट पहनते हो तो आपको स्पार्क्स फील होते हैं, तो वो स्पार्क्स क्यों फील होते हैं, बिकॉज आपने जो कपड़े पहने होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में या कहीं से खेल के आते हो वो जनरली स्पेंडेक्स के होते हैं और उनके अंदर स्टेटिक चार्ज जनरेट हो जाता है जब वो अपनी अपनी अपने और अपनी आपकी बॉडी के साथ रब होते हैं। तो स्टेटिक चार्ज होने से आपको स्पार्किंग का एक्सपीरियंस फील होता है और अगर वो स्पार्किंग ज़्यादा होती है तो आपको शॉक लगता है, हल्का सा शॉक लगता है, ज़्यादा नहीं। तो वो अपने ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को भी कैरी करते हैं। अभी इनके कुछ कॉमन यूज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर को देखते हैं कि इनको यूज़ जनरली इनको कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैट्स वगैरह, डोर मैट्स देखा होगा आपने, डोर गार्ड देखा होगा, तो जहाँ पे अपने पैर साफ करके घर में एंटर होते हो वो मैट्स वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। पैराशूट में तो नायलॉन यूज़ करते ही करते हैं, एरोप्लेन के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, आपके घर के अंदर जहाँ पे विंडो होती है वहाँ पे कर्टेंस लगाते हैं, पर्दे में इसको यूज़ करते हैं। फिर इसको
एक्रेलिक इज यूज्ड 50% ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जहाँ जहाँ जब भी सिंथेटिक फाइबर यूज होता है उसमें सबसे ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर कौन सा यूज़ में आता है? एक्रेलिक यूज़ में आता है। फिर नायलॉन इज़ अ सेकेंड मेजर सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट नंबर पे एक्रेलिक यूज़ में आता है और सेकेंड नंबर पे नायलॉन यूज़ में आता है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खपत किसकी हो रही है? एक्रेलिक की हो रही है, जो सिंथेटिक वूल है, और उसके बाद हम नायलॉन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइए अब चैप्टर के सेकंड पार्ट पे पहुँचते हैं। सेकंड पार्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, और ये किस में से बनता है? पॉलीथीन में से बनता है। अब प्लास्टिक, प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर, ठीक है, और ये किस में से बनता है? पॉलीथीन में से बनता है। इथीन आप 10th क्लास में पढ़ोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम इथीन कहते हैं। और जब बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो वो प्लास्टिक बना देंगे। यहाँ पे इथीन आएगा, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक? तो आप प्लास्टिक के बारे में तो काफ़ी जानकार हो। दे आर मोल्डेबल, अपना शेप चेंज कर सकते हैं गर्मी देने के ऊपर। वो पिघल भी जाते हैं, उनको गर्म करने से वो पिघल जाते हैं, और अच्छी बात ये है कि वो रिसाइकल हो सकते हैं। एक बार आपने प्लास्टिक को यूज़ किया, टूट जाएगा, उसको आप जो मतलब स्क्रैपर्स वाले लोग आते हैं आपके स्ट्रीट्स के अंदर, उनको आप दे देते हो तो आपको पैसे भी मिलते हैं, और उसी टूटी हुई चीज़ों से वो नए प्लास्टिक के यूटेंसिल्स भी बना लेते हैं। दे आर रीयूज्ड एंड रोल्ड इन शीट। इनमें से इनको हम शीट में भी चेंज कर सकते हैं और इनके हम वायर्स भी बना सकते हैं। दे आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक के बर्तन को आप पानी में जितना भी रखोगे तो वो कभी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। साथ में वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। वो बहुत ही मजबूत होते हैं, हल्के होते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। डू नॉट हैव अ थर्मल कंडक्टिविटी। ये गर्म पानी प्लास्टिक के अंदर आप भरते हो तो आपको बाहर गर्म फील नहीं होता, और प्लास्टिक में से कभी करंट भी पास नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक प्लास्टिक इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें गर्म चीज़ों को पकड़ना हो तो भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, और किसी शॉक वाली जगह के ऊपर जहाँ पे दो वायर इकट्ठा हो रहे हैं या कोई जहाँ पे शॉक लगने की चांसेस हैं तो वहाँ पे हम प्लास्टिक से उस स्विच को बंद या चालू करते हैं, बिकॉज़ प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लास्टिक क्या करता है? अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। अभी पहला प्लास्टिक है, जैसे सिंथेटिक फाइबर में बहुत सारी कैटेगरी थी, वैसे प्लास्टिक में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उसमें से सबसे पहला प्लास्टिक आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है जो आपने देखा होगा, आप डोसा वगैरह बनाते हो तो डोसा की जो पैन होती है उसको कोटेड किया रहता है, ताकि वो कैसे, इसको हम कभी कभी नॉन स्टिक पैन भी कहते हैं। तो वो नॉन स्टिक किसकी वजह से हो पाया? टेफ्लॉन की वजह से हो पाया, कि उस पैन के ऊपर हम क्या करते हैं? टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं ताकि डोसा हमारा आराम से ऑयल के ऊपर फ्राई हो सके और उसको हम आराम से पलटा सके, मतलब उसको घुमा सके। जनरली इसका केमिकल नेम क्या है? पोली टेट्रा फ्लोरो इथिन, ठीक है, पोली टेट्रा फ्लोरो इथिन, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। बट आपको याद रहता है तो कोशिश करना, अदरवाइज आप इसको टेफ्लॉन बोलने से ही ज़्यादा कंफर्ट फील करोगे। इसकी खोज 1938 में हुई थी, और इसको हम जनरली खाना बनाने के लिए जितने भी अप्लायंस आते हैं उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छी बात ये है कि जिन जिन बर्तनों के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की रहती है उसको धोना बहुत ही आसान होता है, उनको वॉश करना बहुत ही इजी होता है। चलिए आगे चलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है और इसके ऊपर एग्ज़ाम में आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और आपको 100% डिफरेंस पूछेंगे, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में बात करें तो दो तरह के प्लास्टिक के टाइप्स होते हैं। पहला है आपका थर्मोसेटिंग और दूसरा हो गया थर्मो प्लास्टिक। अब थर्मो का मतलब होता है गर्मी देना, हीट देना, टेम्परेचर देना, और
थर्मो सेटिंग में क्या होता है कि आप एक बार उसको हीट दोगे तो अपना शेप चेंज कर सकता है। और थर्मो सेटिंग में कैसा हो गया कि एक बार आपने हीट देने के बाद उसने उस जो शेप को अचीव कर लिया, उसके बाद वो दूसरा शेप अचीव नहीं कर सकता है। हीट देने पर शेप चेंज होता है किसमें? थर्मोप्लास्टिक में। और हीट देने से जिसका शेप चेंज नहीं होता है वो होता है थर्मो सेटिंग। अभी देखो पहला पॉइंट बताया है मैंने, चेंज शेप वंस हीटिंग, और दूसरा पॉइंट क्या है, कैन नॉट सॉफ्टन और एप्लीकेशन ऑन हीट। थर्मो सेटिंग अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, वो एक बार सेट हो गए हैं, अब दूसरी बार सेट नहीं होंगे, मतलब अपना शेप भी चेंज नहीं करेंगे। जबकि थर्मोप्लास्टिक में कैसा होता है, जितनी बार हीट दोगे उतनी बार वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है पॉलीथीन, जिसमें आप फ्रूट सब्जियां वगैरह लाते हो, वो पॉलीथीन भी क्या होता है, एक थर्मोप्लास्टिक है। और पीवीसी, आपके घर के अंदर टॉयलेट और बाथरूम में से जितना भी सीवेज जनरेट होता है और वो मेन पाइप तक जाता है, वो कहाँ से जाता है? पीवीसी पाइप से जाता है। आपके घर के बाहर या आपके घर के पीछे के पार्ट में ये पाइप्स आपको देखने को मिलेगी, तो वो भी क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी का पूरा फुल फॉर्म है। तो पीवीसी भी क्या है, थर्मो प्लास्टिक है, वो अपना शेप चेंज कर लेता है हीट देने पर। जबकि बात करें थर्मो सेटिंग की, तो एक बार सेट होने के बाद वो दूसरी बार सेट नहीं होते हैं, मतलब हीट देने पे उनका शेप चेंज नहीं होता है। अब उसमें भी दो कैटेगरी हैं, पहला है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट क्या होता है कि ये इंसुलेटर है, किसका, हीट का, ये अपने में से हीट पास नहीं होने देता है, इसीलिए इसको, सॉरी, ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास नहीं होने देता है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस के अंदर यूज़ करते हैं, या गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए जो हैंडल्स वगैरह बनाते हैं हम, उसमें हम बेकेलाइट को यूज़ करते हैं। जबकि बात करें मेलामाइन की, तो मेलामाइन है ना, वो कभी भी आग नहीं पकड़ता है, उसमें आग नहीं लग सकती, इसीलिए हम फ्लोर टाइल्स, जहाँ पे थर्मल प्लांट होते हैं या फर्नेस वगैरह लगाई रहती है, तो जो फर्नेस के नीचे फ्लोर के ऊपर जो टाइल्स लगती हैं, वो फ्लोर टाइल्स किससे बनी रहती है, मेलामाइन की बनती है, ताकि फ्यूचर में कभी फर्नेस से कुछ आग वगैरह लीक हो जाए तो फ्लोर के ऊपर आग ना लग जाए। इसको हम किचन वेयर के अंदर भी यूज़ करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे शेफ़ वगैरह होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मेलामाइन से बना हुआ सूट पहनते हैं, ताकि कुछ एक्सीडेंट हो जाए, आग वगैरह लग जाए तो वो बच जाए। और सेफ्टी गार्ड्स, मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर टीम होती है, जब आग लगती है और आप उनको बुलाते हो रेस्क्यू के लिए, तो वो लोग भी जो सूट पहनते हैं वो मेलामाइन का ही सूट पहनते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दो तरह के थे, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में दो एग्जांपल, पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, और थर्मोसेटिंग के अंदर बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, जबकि मेलामाइन को कभी आग नहीं लग सकती। अभी हम आगे चलेंगे, व्हाट इज प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि ये एक उसका प्रॉपर्टी है, मतलब हम क्या कहेंगे, एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टी है, उसका एक बिहेवियर है कि वो क्या हो सके, मोल्ड हो सके, मतलब अपना शेप चेंज कर सके। कोई प्लास्टिक जितना अपना शेप अच्छी तरीके से चेंज कर सकते हैं या बार बार अपने शेप को बदल सकते हैं, उस प्लास्टिक की प्लास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मटेरियल जो अपना शेप बार बार चेंज कर सके, या ऐसा कोई प्लास्टिक जिसका शेप हीट देने पर बार बार चेंज हो सके, उस प्लास्टिक की प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आगे चलेंगे, हाँ, अभी तो प्लास्टिक को हम मेडिकल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शंस वगैरह आते हैं, या नर्स और डॉक्टर जब पेशेंट को डायग्नोस कर रहे होते हैं तो अपने हाथ में हैंड ग्लोव्स पहनते हैं, वो भी प्लास्टिक के बने रहते हैं। जनरली वो हैंड ग्लोव्स अभी तो सिलिकॉन के आ गए हैं, सिलिकॉन पाउडर से वो बने रहते हैं,
बट प्लास्टिक का भी यूज़ किया जाता है और काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर भी प्लास्टिक को हम यूज़ करते हैं। जैसे हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में देखा था कि सिंथेटिक फाइबर के फ़ायदे भी थे नुकसान भी थे, वैसे प्लास्टिक भी हमारे लिए काफ़ी नुकसान करता है। वैसे बात करें तो ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये एनवायरनमेंट के साथ मिक्स नहीं होता है, वो सॉइल को पॉल्यूट करता है और डिकम्पोजर्स भी इसको सॉइल के अंदर मिक्स नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि प्लास्टिक है वो पानी के ऊपर तैरता है, जिसकी वजह से उस पानी के अंदर और उस प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे जम्स प्रोड्यूस होते हैं और वही पानी हमारे घर में आता है और हम बीमार हो जाते हैं। दूसरी बात, प्लास्टिक को जलाने से बहुत ही जहरीली गैसें निकलती हैं और वो एयर पोल्यूशन करती हैं और हमारे हेल्थ को ख़राब करती हैं। दूसरी बात ये है कि प्लास्टिक को जब सॉइल के अंदर मिक्स किया जाता है तो प्लास्टिक सॉइल के अंदर तो मिक्स होगा नहीं, बट वो क्या कर देगा कि बारिश के टाइम पे सॉइल में से जितना पानी एक्वीफर में जाना चाहिए वो उसको भी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसीलिए प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही बुरा होता है, प्लास्टिक को हम ज़्यादा यूज़ ना करें तो अच्छा। तो प्लास्टिक हमारे लाइफ के अंदर तो आ गया है, बट अभी प्लास्टिक का यूज़ एकदम से हम बंद भी नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए कि प्लास्टिक को हम यूज़ भी कर सकें और प्लास्टिक से हमें नुकसान भी ना हो। तो उसके लिए कुछ रिजोल्यूशंस दिए हुए हैं यहाँ पे कि पहली बात यह है कि आप क्या करो, प्लास्टिक को रिड्यूस करो। रिड्यूस मतलब बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके इतना ही यूज़ करो। जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आप वहाँ पे उनसे प्लास्टिक की बैग ना लेकर अपने घर से जूट की या कोई कॉटन की बैग लेके जाएं, ताकि प्लास्टिक कम यूज़ में आए। दूसरी बात, रिसाइकल, टूटी हुई प्लास्टिक की चीज़ों से ही उसको पिघलाकर नई चीज़ें बनानी चाहिए, न कि हमें नया प्लास्टिक बनाना चाहिए। रिफ्यूज़ करना चाहिए कि प्लास्टिक का यूज़ करने से हमें हमें प्लास्टिक की बर्तनों को या प्लास्टिक की चीज़ों को हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए, या उनकी जगह पे हमें कुछ और सोचना चाहिए। जैसे स्टील हो गया, फिर गैल्वेनाइज बर्तन हो गए, उनका हमें यूज़ करना चाहिए। रीयूज़, हमें किसी प्लास्टिक की चीज़ों को बार बार यूज़ करना चाहिए। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपकी पेन। अभी आप क्या करते हो कि एक बार पेन ख़त्म हो जाने के बाद आप नई पेन ले लेते हो, बट आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको उस पेन की रिफिल को नया खरीदना चाहिए। पेन तो वही की वही रखनी चाहिए ताकि उस पेन को आप रीयूज़ कर सको। दूसरी बात है रीपर्पज़। रीपर्पज़ में क्या होता है कि आपने जिस मकसद से उन चीज़ों को लाया था, उन चीज़ों का मकसद बदल दिया जाए। जैसे मार्केट से आप एक प्लास्टिक का मग लाते हो, जिसमें आपको चाय पीने का बहुत शौक है, कि कुछ लोग होते हैं जिनको मग में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी क्या हुआ कि उसका 5-6 महीने में यूज़ करने के बाद उसका जो हैंडल था वो टूट गया। तो आप क्या कर दोगे कि उस मग को फेंक देते हो, बट क्या करना है कि उस मग को जिसका हैंडल टूट गया है, उस मग के अंदर आप क्या कर सकते हो, पेन वगैरह रख सकते हो, या हो सकता है उसमें थोड़ी सी मिट्टी भर के आप उसके अंदर कोई एक प्लांट उगा सकते हो। ठीक है, तो आपने उस मग को लाया था किसके लिए, चाय पीने के लिए, बट अभी आपने उसको कैसे यूज़ करना शुरू कर दिया, एज अ एक पेन स्टैंड, और या आप उसके अंदर मिट्टी के अंदर मिट्टी डालकर उसके अंदर आपने कोई प्लांट लगा दिया। तो जिस मकसद से लाया था उसका हमने उस मकसद को बदल दिया, उस पर्पस को हमने चेंज कर दिया। दूसरी बात कि हाँ, ट्राई टू डिस्कवर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक तो यूज़ करना ही करना है, बट हमें ऐसे प्लास्टिक को यूज़ करना है जो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए। और एक टेक्नोलॉजी नई आई है कि हमें फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। ऐसे प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए जो सनलाइट के अंदर कैसे हो जाएं, डिग्रेड हो जाएं, उनको ख़त्म भी किया जा सके सनलाइट के अंदर, ऐसे प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। फिर हमें, जो मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था, रिप्लेस प्लास्टिक पॉलीथीन बाय जूट एंड कॉटन बैग्स। घर से आप जब भी कुछ शॉपिंग करना चाहते हो तो आप वहाँ से प्लास्टिक की बैग ना लेकर जाएं, प्लास्टिक की बैग वहाँ से ना एक्सेप्ट करें, बट आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको अपने घर से ही
कपड़े की बैग लेके जाएं तो आपके घर में मिनिमम से मिनिमम प्लास्टिक आएगा। और इस तरीके से इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। मैंने आपकी बुक के अंदर जितने भी छोटे से छोटे पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे समराइज़ किया है। ये चैप्टर समझने में बहुत ही आसान है, बट होगा क्या कि इस चैप्टर को जितना जल्दी आप समझते हो उतना ही जल्दी आप भूल भी जाते हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि वो सारे के सारे नेम्स वगैरह हैं, पॉलीमर्स के नेम हैं, मोनोमर्स के नेम हैं, वो बार बार आपके दिमाग के अंदर स्ट्राइक होगा और फिर कुछ नाम्स हैं वो आपके दिमाग के अंदर हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे और ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। जनरली इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना लेता है। इसीलिए जो लोग टॉपर्स हैं उनके लिए चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है और इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये कंटेंट हर बच्चे के पास पहुँच सके। आप इस वीडियो को जब भी आपका IFA एग्ज़ाम आता है, SA आता है या एनुअल एग्ज़ाम आता है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखने के साथ ही आपका पूरा चैप्टर एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज़ हो जाएगा। और कमेंट्स के अंदर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स के अंदर कोई और चैप्टर का नाम लिखिए जिसके ऊपर हम दूसरा वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिलाइट अकेडमी की ओर से आपको आने वाली सारी एग्ज़ाम के लिए